लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन एक प्लस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। ये रेसिपी वैसे आप बड़ी मल्टीपल रेसिपी है, इसको आप दो जगह बना सकते हैं, इसको विद बोन और विदाउट बोन बना सकते हैं। आज मैंने डिसाइड किया क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में हर एक को वो विंग्स बहुत पसंद है, जिसकी फरमाइशें बहुत आ रही है। और रिसेंटली कुछ चंद एक साल पहले ये विंग्स हमारे मेन्यूज में आना शुरू हुई हैं। अब आपको इवन एक दो रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट में आपको विंग्स मिलेगी और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। अमूमन लोग विंग्स को जानते हैं बफलो विंग्स के साथ। बफलो विंग्स मीन्स हॉट सॉस के साथ बनती है, उसको माइल्ड करने के लिए बटर यूज़ करते हैं, दूसरी यू नो एंड देन देयर इज अ उसके फ्लेवर्स अलग ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन बफलो विंग्स के अलावा भी दुनिया है, आप तेरियाकी विंग्स बना सकते हैं, आप जो आज हम बना रहे हैं चिकन सावर, बेसिकली चिकन सावर बना रहे हैं, ये चाइनीज स्टाइल की विंग्स बनेंगी, इसमें कोडिंग चढ़ेगी, बहुत मज़ा आता है। पहले काम करते हैं विंग्स को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, विंग्स को जो बैटर बनाना है जो जिसमें डूबेगी वो बना लेते हैं। तकरीबन मैं यहाँ पे कोई वुड से एक दो भर के ले रहा हूँ, देखें तीन चार चार कप के चार भर के खाने के चम्मच मैदा। इस मैदा में नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, नमक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप वुड से आधा चाय के चम्मच नमक और वाइट पेपर मुझे तो बहुत नहीं पसंद, मैं हमेशा कहता हूँ, अब तो आप लोग अंदाज़ा हो गया होगा, मैं तो कोई एक चौथाई चाय का चम्मच इसमें वाइट पेपर डाल लूँ और हल्का सा कॉर्नफ्लावर जस्ट लाइक आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा उसको क्रिस्प करने के लिए। चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो है, वो ले लें। और इसमें मैं जनाब एक चाय का चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, मैं चम्मच बड़ा तो परेशान ना होइएगा, एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ये ले लिया आपने। इसमें डालेंगे अब अंडा, दो अंडे ले लेते और थोड़ा सा फ्लेवर को बेहतर करने के लिए बेकिंग पाउडर भी अच्छा रिएक्ट करेगा, हल्का सा विनेगर, मेरे पास राइस विनेगर है, मैं आधा चाय का चम्मच राइस विनेगर डाल रहा हूँ इसके अंदर। और लाइट सोया सॉस है, आप कोई भी सोया सॉस ले लें, कोई एक चाय का चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं। अब बड़ा खुशबूदार बड़ा मज़ेदार किस्म का ये बैटर बन जाएगा और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप पानी, सही जी, ये हो गया। अब जब बैटर को चेक कर लेते हैं, ये बहुत पतला नहीं होगा तो गाढ़ा गाढ़ा सा ये बैटर बनेगा। और मीन वाइल आपका ऑयल जो है वो गर्म हो रहा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल आपका गर्म का मतलब है यहाँ धुआं निकल गया, तो ऑयल को थोड़ा सा मैं चूल्हा बंद कर दिया कि ऑयल का टेम्परेचर सही हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये गुटलियाँ पड़ रही हैं, तो मैं हाथ की मदद से ये देखें ताकि ये अच्छा ओके जी, ये आपने फेंट लिया है, देखिए कितना गाढ़ापन इसमें आ रहा है, दैट्स व्हाट यू नीड। अच्छा यहाँ पे मेरे पास आधे किलो विंग्स हैं। अच्छा विंग्स देख लें, ये डबल विंग्स यानी कि दो एक साथ मिली हुई हैं, ये एक विंग्स नहीं है। आप इसको चाहें तो आप आधा कर लें, मैंने सोचा कि मैं पूरी सर्व कर रहा हूँ, तो ये अब आपकी चॉइस है, इसको बीच से आधा करके जॉइंट से आधा कर लें। इस बैटर में इतनी गुंजाइश है कि दो चार विंग्स और बड़े आराम से आ सकती हैं। बस आपको इसने थोड़ा सा अगेन मुझे बहुत ज़्यादा इसकी शक्ल छुपानी नहीं है, तो देखें हल्की सी कोटिंग आ रही है, देख रहे हैं अंदर से नज़र भी आ रहा है, दैट्स व्हाट यू नीड। अगर आपको लगता है कि मुझे आटा ही आटा चाहिए तो आप थोड़ा सा मैदा बढ़ा सकते हैं इसमें, तो एक दो टेबल स्पून बढ़ा के डाल दें। ऑयल बहुत गर्म ना हो क्योंकि उसने अंदर तक कुक होनी है, बहुत गर्म ऑयल में फौरन ऊपर से रंग काला कर देगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी, हड्डी वाली चिकन तो विल टेक टाइम, तो इसको आपने और उसमें कोटिंग भी है तो बहुत बी केयरफुल कुक करते वक्त, इसको आपने आराम से कुक करना है। ये मैंने इसको एक दफ़ा डिप किया, एक्सेस को निकाल लें, ये
पेपर डिप करने के बाद एक्सेस को शेक कर लें। बना के डेरी का नहीं चिपक जाएगी, तो बाद में इसको बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं हाथ, ये जो बर्तन है इनको मैं लेमन मैक्स से धो लेता हूं। कहते हैं लेमन मैक्स, थोड़ा सा लेमन मैक्स। ओके जी, ये हमारा धुल गया। और अब जरा चूल्हे की आंच भी वापस खोल लेता हूं मैं, जो मैंने हल्की कर दी थी। अच्छा जी, अब ये इसको आपने थोड़ी देर बाद इसको अलट पलट लेना है। ओके, अच्छा जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं कहूंगा आपसे कहीं मिल जाएगा, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, कोई एक दो जवे लहसुन के हम यहाँ ले लेते हैं। और अब हम अगले स्टेज में, जिसके अंदर हम इसका सॉस बनाएंगे, डिपिंग सॉस। मैंने पहले आपको कहा था कि इस रेसिपी को आप अगर चाहें तो चिकन की आप सिर्फ क्यूब्स ले लें, यानी गोश्त ले लें, उसके बाद इसको आप बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इसको आप विंग्स में बनाएं। ये बेपेंदे का बर्तन है, ये इसका पेंदा बहुत छोटा है। अच्छा जी, ये हो गया, हल्का सा चॉप कर लेते हैं इसको। इस रेसिपी में ऑयल ना होने के बराबर जाएगा, बस आधा एक चाय का चम्मच ले लीजिएगा, और इसके अंदर ठंडे में, ताकि ऑयल जब तक ठंडा है, ऑयल गर्म होगा इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा लहसुन का। हम बना रहे हैं इसके लिए स्वीट सावर सॉस, और चीनी इसकी मिठास होगी। खटास के लिए आप थोड़ा सा लेमन जूस ले सकते हैं, आप विनेगर ले सकते हैं, जिसके मैं विनेगर यूज़ करूँगा। और जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है केचप, और नेशनल केचप है ज़रूरी, तो उसके बगैर आई थिंक मुझे रिच आपको टमाटर का मज़ा आएगा वो इससे मिलेगा। ये मैं ले लूँगा, लेकिन मीनवाइल जब तक ये हल्का सा गर्म हो रहा है तो इसको अलट पलट लें, ताकि विंग्स आपकी फर्स्ट क्लास इवन कुक हो। चूल्हे पे नज़र रखनी आपने, चूल्हा आपका तेज ना हो। अब ये इनको मैं आगे पीछे कर लूँ ताकि ये, हाँ जी, तो ब्राउन ना कीजिएगा इसको, बस ये आपका लहसुन हल्का सा फ्लेवर लेके आए, दिस इज इट। इसमें आपने डाल देना है नेशनल केचप, जरूरी। अच्छा जी, ये खोल के कितना डालेंगे, उससे मैं इस रेसिपी के लिए एक कप लूंगा। और एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे कहने पे इसको जलने दीजिएगा। मैंने ऐसे जलने का मतलब है इसको चिपकने दे साइडों से, होगा क्या, ये चिपकेगा, जलेगा तो बहुत अच्छा कैरमलाइज फ्लेवर इसमें आएगा। और मुझे कभी चाइनीज रेस्टोरेंट के आप आगे या पीछे से गुजरें, आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, वो ये होती है केचप जलने की, तो कैरमल खुशबू। तो मैं इसको पर्पसली थोड़ा सा जलाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर हल्का सा चिपक जाए। और मीनवाइल जब तक ये हो रहा है तो इसको भी अलटते पलटते रहेंगे। कितना कम मैंने मैदा लगाया था उस पर भी ये है कि हल्का सा मैंने जाती कर दी, एक विंग कम डालनी थी मुझे, बट थोड़ा सा। ओके जी, विंग्स भी आपकी फर्स्ट क्लास, हमारी सब चीज़ें साथ साथ तैयार हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखें, नीचे हल्का का लगा हुआ, दिस इज व्हाट आई वांट। अब नीचे के साथ चला लें, मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा, कोई आधा कप पानी। और इसके अंदर डालेंगे एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीनी, और कोई मैं 2 टेबलस्पून चीनी, अभी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। एक अलग केक के लिए विनेगर, अलग केक के लिए 1 टेबलस्पून बहुत होगा, थोड़ा सा सोया सॉस,
लाइट है तो एक टीस्पून डाल रहा हूँ मैं, और नमक ज़रूर डालिएगा, चुटकी दो चुटकी चेक कर लीजिए नमक की कितनी ज़रूरत है। मैं एक चौथाई चाय का चम्मच नमक डाल रहा हूँ, और इतना ही मैं वाइट पेपर 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेसमी ऑयल, अगेन बहुत तेज़ होता है, एक दो ड्रॉप यानी कि आधे चम्मच से भी कम डालिएगा। एंड ये आपका सॉस ऑलमोस्ट तैयार है, चूल्हा हल्का करते हैं। कॉर्नफ्लावर थोड़ा शाइन लाने के लिए एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर ठंडे पानी में घोलते हैं। मैंने इसको 2 टेबलस्पून पानी लिया है, थोड़ा सा डालूँगा जस्ट कि वो एक अच्छी सी चमक आ जाए। दिस इज गुड, चूल्हा बंद, चेक करें आप। अब ये इसका डिपिंग सॉस मैं इसमें निकाल लेता हूँ। बाजार वाले रंग यूज करते हैं, इफ यू वांट यू कैन ऐड कलर टू इट, रेड कलर, लेकिन रेड कलर यूज करें तो मेक श्योर कि वो फूड ग्रेड रेड कलर हो। अच्छा जी, विंग्स तैयार हो गई हैं, चूल्हा बंद करते हैं और इनको आपने लुक एट दिस, हाय 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 बेहतरीन। अब इसको आपने जरा विंग्स, मजा किस्म की विंग्स हैं, गर्म है बट आई एम श्योर यू कैन मैनेज इट। अच्छा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अंदर तक कुक है ये क्रंची आवाज सुना, फिर सुनाता हूँ मैं क्रंच, इंपॉर्टेंट इज क्रंच। क्रंच की आवाज आपको, अच्छा इट्स सो लाइट, ये देखिएगा ये पापड़ी बहुत पतली है, ये तो स्किन इसकी है, इसके बाद हल्का सा कोटिंग हुई है जो कि इस पर मैदे की बहुत ज़्यादा ही रोमन, और अंदर तक ये मीट कुक है। एंड इज द मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको शायद कुछ लोग कहें ये गीला है, वो ऐसे गीला नहीं है, ये जूसी है। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, उसका जूस एक चमक निकलेगी, बहुत गर्म है, कैमरा ना पकड़ पाए, बट इज सो जूसी, दैट्स हाउ इट शुड बी, शुड बी ड्राई, ओवर कुक ना कीजिएगा, सर्व कीजिएगा। आम शो इस इफ्तार पे आपको डिफरेंट रेसिपीज यहाँ देखने को मिल रही हैं, आप पसंद कर रहे होंगे, और आगे भी हम और ऐसी चीज़ें लेके आते रहेंगे, लेकिन आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे बताना है क्या करना है, क्या आप देखना चाहते हैं ताकि मैं वो बना सकूं। आज की रेसिपी को जल्दी से क्विकली रिकैप करता हूं मैं, मेन जो चिकन विंग्स हैं, कुछ भी नहीं करना, आपने चिकन विंग्स लेनी है, उसके साथ स्किन वाली लेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो सादी भी ले लें, स्किन अच्छा सा फ्लेवर टेक्स्चर देती है। तो मैंने कोई 4 टेबल स्पून भर के मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, वाइट पेपर डाला है, और सोया सॉस थोड़ा सा टच किया है, 2 अंडे डाले हैं, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा पानी, उसको आपने फेंट लिया अच्छी तरह से, उसमें विंग्स डाले आपने, बहुत तेज़ तेल नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, वरना आपका मैदा उतर जाएगा, हल्की दरमियान से थोड़ा हल्का है, उसने आपने तल लिया हर तरफ से, कोई 10 से 12 मिनट लगेंगे तलने में, वो तल गया। सॉस आपने स्वीट एंड सावर बनाना है, उसके लिए 1 चाय के चम्मच ऑयल में 2 लहसुन की जवे बारीक करके उसको हल्का कड़कड़ाया आपने, ब्राउनी कीजिएगा, और उसके बाद उसके अंदर केचप, नेशनल का केचप, जो कि स्ट्रॉन्ग रिच जो टमाटर का मज़ा है ना वो देगा, वो आपने डाला 1 कप, हल्का सा मैंने जलाया है उसको साइड से, बहुत मत जलाइएगा काला हो जाए, हल्का सा ताकि खुशबू आ जाए। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और राइस विनेगर है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, और चीनी 1-2 टेबल स्पून, देख लीजिएगा कितनी मिठास आपको पसंद है, और उसका मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा हल्का सा विनेगर आप और डाल सकते हैं,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी चीज हम डाली थी इसके अंदर सेसमी ऑयल, तिल का तेल। ये बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा इसकी एक बात बता दूं, सेसमी ऑयल की अगर पुराना हो गया ना तो रिनसेट हो जाता है, तो ऐसा ये ऑफ फ्लेवर दे रहा होता है, तो मेक श्योर ये ताज़ा हो। मेरे पास बड़ी बोतल है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप छोटी बोतल ले लें, और अगर लगता है इस्तेमाल कम होता है फ्रिज में रखें इसको, आई नो, वरना ये महकेगा। तो वो एक ड्रॉप दो ड्रॉप डालने, आधे चाय के चम्मच से भी कम, ताकि अच्छी सी उसमें बड़ी फिनिश अच्छी आ जाए, और कॉर्नफ्लावर से हल्का सा मैंने इसको गाढ़ा किया ताकि शाइन अच्छी आ जाए। तो ये था शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे इसी शो पे विद नई और क्विक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।